हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर थर्ड वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इन आर लास्ट टू वीडियोस वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, देयर फीचर्स, राइट्स, ड्यूटीज, पार्टनरशिप डीड, द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सम प्रोविजन्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, द एग्जाम्पल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देयर जर्नल एंट्रीज, राइट? सो टुडे वील डू सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। We'll start with the page number 1.8, illustration number 4. But before that, we have to learn two basic terms. First is an item as charge against profit, and items are as appropriation of profit. Kya difference hai in dono mein? 11th class mein humne P&L account banaya. P&L account mein humne firm ke income aur expenses likhe. Jo expenses hue the, wo hume pay karne pade. चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या कंपनी प्रॉफिट अर्न ना करे, राइट? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस हैज़ टू बी पेड वेदर फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। अगर हमें खर्चे पे करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, तो वो तो हमारे क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर हमें खर्चे पे करने हैं, लेकिन उसी कंडीशन में जब कंपनी क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, तो वो होता है एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक्सपेंसिज हैज टू बी पेड बाय द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, ये किसका एक एग्जाम्पल होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें क्या क्या चीज आ सकती है? कोई भी एक्सपेंसिस किसका? कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी टू एम्प्लॉयज, मैनेजर, इंटरेस्ट ऑन लोन, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों? ये पे करने पड़ेंगे चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे। आइटम्स पेड ओनली वेन फर्म अर्न्स प्रॉफिट, ये तभी पे होंगे जब कंपनी क्या, फर्म क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, तो वो क्या होगा? इस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब पार्टनर्स को दिया गया कोई भी अमाउंट, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये तभी होगा जब पार्टनर फर्म क्या कर रही होगी, प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। इन केस पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है और कमीशन देना है, लेकिन उस साल अगर फर्म ने क्या नहीं किया, प्रॉफिट अर्न नहीं किया, तो फिर हम इनमें से कुछ भी नहीं देंगे। पार्टनर्स को अगर कोई भी अमाउंट देना है, वो तभी दिया जाएगा जब क्या हो, फर्म अर्न कर रही हो प्रॉफिट। अगर पार्टनर को हमें यह अमाउंट देना है कब, जब लॉस भी हो रहा हो, उस कंडीशन में भी, तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक करेगा कि सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर, जो भी अमाउंट आपका है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड आ गया, उस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें ये आइटम्स पे करने हैं। किसको? पार्टनर्स को, चाहे फर्म अर्न करे या ना करे। बट ये जो सिचुएशन आएगी, ये सिचुएशंस बहुत ही क्लियर होगी। आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा कि दीज आइटम ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उस कंडीशन पे आप सैलरी, कमीशन या IOC जो है वो दोगे कब, जब फर्म प्रॉफिट अर्न करे या ना करे। लेकिन इन नॉर्मल केसेस अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन पे ये आइटम्स पार्टनर्स को तभी दिए जाएंगे जब क्या कर रहा हो, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है? सो पेज नंबर 1.8 पे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम इसी से जुड़ा हुआ कर रहे हैं। एक्स ने एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना के दिया है, ठीक है? उसने क्या बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, आपको बताना है कि सही है या नहीं है। कैसे? देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, वाई फील्स दैट ही इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, वाई को ऐसा लगता है उसके साथ गलत हुआ है। आपको बताना है कि क्या यहाँ पे कोई लॉ ऐसा है जो हमने तोड़ा है, और जो सही अगर है, तो फिर आपको क्या करना है, नया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है? तो देखो क्या क्या है। एक्स को हम सैलरी दे रहे हैं 7,000, वाई को हम कमीशन दे रहे हैं 4,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया 6% का 2,400 एंड 1,800, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने चार्ज कर लिया, ठीक है? क्या ये सब चीज़ें देनी चाहिए क्या हमें? हमें इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो ना तो सैलरी दी जाती है,
पढ़ा था ना हमने लास्ट में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन सॉरी ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा जब तक कि डीड ना हो। तो डीड अगर नहीं है तो ये कुछ भी नहीं देंगे। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटा है इन्होंने 8,000 और 6,000, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर डीड नहीं होती तो उस कंडीशन पे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटना चाहिए, इक्वली बटना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नया जब हम ट्राई करेंगे तो हमें पहले बताना है गलतियाँ क्या क्या हैं। बताओ गलतियाँ क्या हैं। द अकाउंट प्रेजेंटेड बाय एक्स इज नॉट एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक्स ने जो बनाया वो गलत है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मिस्टेक्स आर एज अंडर, क्या क्या गलती है? नो सैलरी कमीशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर, तो ना तो 7,000 देंगे ना ही 4,000 देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भी हम उन्हें नहीं देंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड नॉट बी चार्ज, हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। प्रॉफिट बी शेयर्ड इक्वली, जो प्रॉफिट है वो इस रेशो में ना बट कर कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा, ठीक है। अब एक आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, तो डीड क्या कहती है कि अगर डीड साइन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% तो देना है, ये तो सही है, लेकिन वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, पी एंड एल अकाउंट में आएगा। क्यों आएगा पी एंड एल अकाउंट में? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी हमने पढ़ा ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, जो हमें प्रॉफिट हो या ना हो पे करने कंपलसरी है। तो भाई कंपनी ने अगर उधार लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो उसे पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करे या प्रॉफिट अर्न ना करे। और किस रेट से करना पड़ेगा, 6 रेट से। जब डीड नहीं होती तो किस रेट से करते हैं, 6 रेट से कर, 6% से करते हैं ना। तो 6% से हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना तो है, वो सही तो किया है, लेकिन वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं बनेगा, वो कहाँ बनेगा, हमारा पी एंड एल अकाउंट में चार्ज होगा। देखो, थ्रू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% हैज बीन चार्ज करेक्टली, सही चार्ज किया है, बट इट शुड हैव बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ चार्ज होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इन्होंने बोला कि आप नया अकाउंट बनाओ, तो बनाओ नया अकाउंट। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st 3 2020, राइट। ये हमारा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये हमारा कौन सा साइड होता है, क्रेडिट। तो सबसे पहले बताओ कंपनी ने प्रॉफिट कितना अर्न किया था, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया था 33,600। तो लिखो यहाँ पे बाय प्रॉफिट, ये कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, कितना है 33,600, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, तो हमने 6,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया। टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया 27,600, 33,600 में से हमने क्या कर दिया 6,000 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारा 27,600। अब हम क्या बनाएंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा क्या बनाया, यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हमने पहले, तो पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, क्रेडिट साइड डेबिट साइड क्या बना रहे हो, हेडिंग डालो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020। फॉर्मेट कंपलसरी है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं आपके बोर्ड के अंदर अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया है तो। तो देखो अब क्या करेंगे, कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया उसको हमने ट्रांसफर किया बाय नेट प्रॉफिट, कितना था हमारा 27,600। अब क्योंकि डीड नहीं है तो उस कंडीशन में सारा का सारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कहाँ पे, पार्टनर्स को। आप यहाँ लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स थे, एक्स और वाई, तो 27,600 को हम किस में बांटेंगे, 1:1 में इक्वली बांटेंगे,
तो 13,800 इसका आ गया और 13,800 इसका आ गया, टोटल कितना हो गया 27,600। और इसी के साथ हमारा सही P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, ये आपका सही है। क्या किया हमने, जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा था, अगर डीड नहीं है तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, जो आइटम डीड में नहीं दिया जाता है वो हटाना है। अगर डीड नहीं है तो कोई सैलरी नहीं होगा, कोई कमीशन नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। तो चार तो मेन गलतियां यही हो गई। सेकेंड गलती क्या की इन्होंने, जो प्रॉफिट था वो इस रेशो में बांट दिया, जबकि कैसे बटना चाहिए, 4:3 में बटा है ना, बटना कैसे चाहिए, इक्वली बटना चाहिए। तीसरी गलती इन्होंने क्या की, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% तो दिया है लेकिन कौन सा अकाउंट में डाल दिया, P&L अप्रोप्रिएशन में, जबकि कहाँ डालना चाहिए, P&L अकाउंट में। एक चीज़ ध्यान रखना, पहले P&L अकाउंट बनता है फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। P&L अकाउंट से हमें पता लगता है कि नेट प्रॉफिट कितना है, क्या पता लगता है कि नेट प्रॉफिट कितना है, और वो नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं अप्रोप्रिएशन में। और फिर जब वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को बांटते हैं तो वो हमारा होता है डिविजिबल प्रॉफिट। पेज नंबर 1.9 पे देखिए, आपको डिफरेंस बता रखा है नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट का। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील्स नेट प्रॉफिट एज इट हैज बीन अराइव्ड आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस विच आर इन द नेचर ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। P&L अकाउंट क्या बताता है आपको, नेट प्रॉफिट बताता है जो कैसे आया होगा, सारे एक्सपेंसेस चार्ज करके आया होगा जो कि क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब P&L अकाउंट में सारे वो खर्चे आते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट है तो भी देना है और लॉस है तो भी देना है। फिर जो P&L अकाउंट से जो हमें प्रॉफिट मिला वो हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पार्टनर सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर चार्ज टू एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो आइटम है ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि ये फॉलोइंग आइटम्स आपको तभी देने पड़ेंगे, कौन कौन से, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कंपनी क्या कर रही होगी, प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। तो प्रॉफिट में से जब ये सारी चीज़ें माइनस कर देते हैं फिर जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे अभी जो आपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में 33,600 तो कौन सा प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। 33,600 तो हमारा कौन सा प्रॉफिट है, ये तो हमारा है नेट प्रॉफिट, सॉरी इसमें ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है, ये तो हमारा प्रॉफिट था, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने माइनस कर दिया, सॉरी हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा, नेट प्रॉफिट कितना बचा, 27,600, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। जब इस प्रॉफिट को हमने P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, हाल फिलहाल तो हमारे पास कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी नहीं है, तो यही अमाउंट हमारा क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ पे क्या होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन होता तो वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता ना वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता। चलो एक और एग्जाम्पल इसका भी करके देखते हैं। पेज नंबर 1.9 पे इलस्ट्रेशन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर्स, द नेट डिविजिबल प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इज 2,50,000। अच्छे से पढ़ना और इस लाइन को टिक करो एक बार। डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है हमें कितना, 2,50,000। द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 4,000। ए सैलरी कितनी है, 4,000 पर क्वार्टर, एंड बी सैलरी कितनी है, 40,000 पर एनम। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्या दे रखा है कि हमें पार्टनर्स को 2,50,000 का क्या देना है, प्रॉफिट। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। हमें सैलरी भी गिवन है ए और बी की, और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है। हमें ये बताना है कि उस साल कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया होगा। तो बनाते हैं, हमने ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हमने हेडिंग डाली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो। फॉर्मेट हमने बनाया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दिया। हमारा डेबिट साइड है, हमारा क्रेडिट साइड है। तो क्या क्या गिवन है, फिल करना स्टार्ट करो। सबसे पहले हमें गिवन है 2 एज सैलरी। ए को हम सैलरी दे रहे हैं 4,000 पर क्वार्टर, तो हमने 4,000 कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 16,000। और क्या गिवन है, 2 बी सैलरी, बी की भी सैलरी गिवन है हमें,
40,000 पर एनम, पूरे साल का अमाउंट लिखना है हमें, ये लिख दिया। और क्या गिवन था हमें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 4,000। और क्या गिवन था? डिविजिबल प्रॉफिट गिवन था। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब हम पार्टनर्स को बांटते हैं तो जो भी हमने पार्टनर्स को दिया हमें वो पता है हमने पार्टनर्स को कितना दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना है? 2,50,000। यहाँ आता है बाय नेट प्रॉफिट। ये गिवन नहीं है, यही तो पूछा है, यही तो हमसे पूछा है। तो इधर का हमने टोटल किया, इधर का टोटल आया 3,06,000। 3,06,000 में से हमने 4,000 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना आ गया? 3,02,000। तो इसका मतलब उस साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा? 3,02,000 का प्रॉफिट अर्न किया होगा। क्यों? क्योंकि 3,02,000 का प्रॉफिट अर्न किया, 4,000 उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिले, तो टोटल उसको कितना इनकम हो गया? 3,06,000। उसमें से 16,000 उन्होंने ए को दे दिया, 40,000 उन्होंने बी को दे दिया, तो कितना बचा? 2,50,000 बचा जो हमने पार्टनर्स को ट्रांसफर किया। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट ही गिवन हो, हमें लैंग्वेज यहाँ से पढ़नी है। अगर यहाँ नेट प्रॉफिट होता तो 2,50,000 इधर होते, लेकिन हमें क्या बोला कि डिविजिबल प्रॉफिट इतना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है? जो हम फाइनली लास्ट में पार्टनर्स को देते हैं। तो 3,02,000 का हमारा क्या था? नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से आया होगा? पी एंड एल अकाउंट से। और 2,50,000 हमारा क्या था? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब आप क्या कर दो, जो प्रॉफिट आप किसको दे रहे हो? पार्टनर्स को दे रहे हो। 3,02,000 में से ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, कौन कौन से एडजस्टमेंट? 16,000, 40,000 एंड 4,000। ये एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल जो अमाउंट बचा कितना बचा? 2,50,000। ये प्रॉफिट हमारा क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चलो आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब क्या हो गया? एवरी पार्टनर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय हिम एट एन एग्रीड रेट। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कौन सा है? पार्टनर ने फर्म को कुछ अमाउंट एज अ लोन दिया है, उसके ऊपर ऑब्वियसली वो क्या करेगा? कुछ इंटरेस्ट लेगा। या तो वो जो रेट है जिसके ऊपर उसे इंटरेस्ट चाहिए वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में हमें पता है कि ये 6% का इंटरेस्ट उसे क्या होगा? हमें देना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी लाइबिलिटी है। अब फर्म प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे होगा ही होगा। इसीलिए हमारा क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ दिखाते हैं? अभी हमने कहाँ दिखाया था इंटरेस्ट ऑन लोन? पी एंड एल अकाउंट में। तो अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है तो पहले आपको पी एंड एल अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट में से पहले आपको क्या ट्रांसफर करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है। फिर जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को आपको क्या करना है? एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट किसका गिवन हो, अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का गिवन हो, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके अंदर उसमें हम लोग क्या करेंगे? वो आइटम्स को चार्ज करेंगे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे। कैसे पहचानोगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? ऐसी चीज, ऐसे खर्चे जो कंपनी हर कंडीशन पे करेगी, चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न ना करे। जैसे किसी भी एम्प्लॉय को दिया गया सैलरी, मैनेजर को दी गई सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें पार्टनर की नहीं है, ये सारी चीज़ें किसकी? एक्सटर्नल पार्टीज की हैं, किसी ना किसी को दे रहे हैं। तो वो कंपनी का कंपलसरी खर्चा है जो उसे पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम पार्टनर को कुछ भी देते हैं या हम पार्टनर से कुछ भी लेते हैं, पार्टनर को कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप उन्हें पे कर रहे हो तो वो हमारा क्या होता है? एज एप्रोप्रिएशन। पार्टनर के अलावा आप किसी को भी कुछ भी पे कर रहे हो तो वो आपका क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एक एग्जांपल है, हमेशा नहीं है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन में पार्टनर को पे करते हैं, बट वो एज एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो तो क्या है हमारा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, एक तो मूल मंत्र क्या है, पहला तो क्या कहता है कि हर वो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा जो हमें हर कंडीशन पे करना है, चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे या प्रॉफिट अर्न ना करे, हमें किसी भी कंडीशन पे क्या करना है? उसे पे करना ही है। तो वो हमारा क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर ऐसे कोई आइटम है जो डिपेंडेड है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही पे करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो वो क्या होता है? एज एप्रोप्रिएशन।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करोगे तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया, ये खर्चा है, टू पार्टनर्स लोन। पहली ओरिजिनल एंट्री क्या करती, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, और जब इसे पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का अकाउंट ओपन किया था आपने, डेबिट किया, और यहाँ आपने क्रेडिट कर दिया, अकाउंट हो गया क्लोज। कहाँ पे अकाउंट क्लोज हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था कि किस चीज़ का, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एज एप्रोप्रिएशन। तो आज हमने मैंने आपको दो एग्जांपल बताए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो हमने लास्ट वीडियो में थ्योरी पढ़ा था उसी को मैंने आगे आज कंटिन्यू करके उसका एग्जांपल बताया है। आप लोग इसको सॉल्व करो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछना हमारे लाइव सेशन में, आप हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करो, मैंने क्वेश्चंस आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए हैं, उसको सॉल्व करके हम लोग हमारे लाइव नेक्स्ट लाइव सेशन में उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।